बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर क्लास सेवंथ स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला हम सबको अपनी अमन अमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियं व रिज़कन तौयिबन व अमलन मुतकब्बला, आमीन। FAI के ऑनलाइन क्लासेस में आपका खुशामदीद है। एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स इस चैप्टर के लिए बनाया गया है ये लेक्चर। तो ये क्लास सेवंथ के लिए है, सेवंथ स्टूडेंट्स के लिए। चैप्टर नंबर है ये सेवन और ये इसका पहला लेक्चर है। और चूंकि छोटा ही चैप्टर है तो ये इसी एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। जो मेन इसमें हम टॉपिक टच कर रहे हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में, उसमें एक आता है एल्गोरिथम और एल्गोरिथम को कैसे लिखा जाता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, फ्लो चार्ट सिंबल्स क्या है और कैसे फ्लो चार्ट हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये इसमें इंशाल्लाह ये चीज़ें कवर होंगी। तो एल्गोरिथम जो है, हम कहते हैं कि एन एल्गोरिथम इज द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एल्गोरिथम जो है ये एक स्टेप बाय स्टेप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो अपनी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में, आसान सी लैंग्वेज में एक कंप्यूटर प्रोग्रामर लिखता है। तो इससे क्या होता है, एल्गोरिथम्स हेल्प यू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एंड डिसाइड द स्टेप्स नीडेड टू सॉल्व इट। एल्गोरिथम्स में हमें ये मदद मिलता है कि हम किसी प्रॉब्लम को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं उसको, और फिर क्या स्टेप्स उसमें लेने हैं, क्या डिसीजंस लेने होंगे, उन डिसीजंस पे क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसको हम सॉल्व करते हैं एल्गोरिथम के जरिए से। यानी हमारे प्रोग्राम में फिर कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहती है। अ कंप्यूटर इज अ मशीन एंड इट कैन नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ। जो कंप्यूटर है चूंकि हमारी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करता जो हम अपनी डेली लाइफ में लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, इट नीड्स इंस्ट्रक्शंस टू कैरी आउट एनी जॉब। इसको इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं कोई भी काम करने के लिए कंप्यूटर को। सो इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू द कंप्यूटर यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज लोगो, क्यू बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा। यानी कंप्यूटर को हमने उसके लैंग्वेज में जो वो अंडरस्टैंड करता है उस लैंग्वेज में स्टेप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं ताकि वो कोई काम कर पाए। और ये इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जो एक मैकेनिज्म है वो होते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज, जो हमारे जिनको हम हाई लेवल लैंग्वेजेस भी बोलते हैं, उनके जरिए से हम फिर उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेकिन वो लैंग्वेज का प्रोग्राम, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखने तक, ताकि हमारे जो जो हम एक्शन लेना चाहते हैं, जो हम काम निकालना चाहते हैं, वो किसी एम्बिग्यूटी के बगैर है, वो और वो अच्छे तरीके से हो जाए, उससे पहले कुछ काम हमने उसमें करना पड़ता है, कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं। जैसे कि पहला स्टेप है एल्गोरिथम, प्लानिंग के बाद एल्गोरिथम, उसके बाद एल्गोरिथम के बाद एक और काम होता है फ्लो चार्ट उसके लिए बनाना। तब जाके जब फ्लो चार्ट डिज़ाइन होता है उसके बाद हम उसमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हैं। एल्गोरिथम क्या चीज है, एल्गोरिथम सपोज हमें दो नंबर्स को ऐड करना है उसके लिए एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि दो नंबर्स ऐड हो जाएं कंप्यूटर के जरिए से, हम ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन उसको देंगे, एक प्रोग्राम दें कि दो नंबर्स को ऐड हो जाए। तो वो प्रोग्राम बनाने के लिए उससे पहले हमें एक तो फ्लो चार्ट पहले बनाना है और फ्लो चार्ट से पहले हमने उसके लिए एल्गोरिथम लिखना होगा। तो ये दो नंबर्स को ऐड करने के लिए जो हम एल्गोरिथम लिखेंगे उसमें क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्टिव हमारा है, हमारा मकसद है कि हम दो नंबर्स को ऐड करें। ठीक, पहला स्टेप हमारा, हमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद हमारे पास वो दो नंबर्स होने चाहिए, टेक टू नंबर्स, सपोज हम सिक्स और एट लेते हैं दो नंबर्स। ठीक,
उसके बाद हम चाहते हैं कि इनका ऐड हो जाए, यानी 6 को प्लस हो जाए, ऐड हो जाए 8 के साथ। ये तीसरा स्टेप होगा। उसके बाद जो उसका ऐड जब होगा प्रोसेसर से, जो उसका रिजल्ट होगा 14, तो वो हम डिस्प्ले करना चाहेंगे, वो हम देखना चाहेंगे, वो हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। तो वो जब आएगी उसके बाद ये कंप्लीट होगा कि दो नंबर्स को हम, लेकिन इस एल्गोरिथम में हमने ये एल्गोरिथम बनाया कि पर्टिकुलर दो नंबर्स को हमने ऐड किया है, 6 और 8 को। अगर हम चाहें इसी एल्गोरिथम को हम जनरलाइज कर सकते हैं, यानी किसी भी दो नंबर्स, कोई भी दो नंबर्स हम फीड करें, उनको कंप्यूटर ऐड करे, उसके लिए हम अगर एल्गोरिथम लिखेंगे तो थोड़ी सी हमने इसको मॉडिफिकेशन करनी है। मॉडिफिकेशन क्या करनी है कि हम इस प्रोग्राम को जनरलाइज करना चाहते हैं, उस हवाले से हमें इसमें मॉडिफिकेशन करनी है। जैसे कि हमने इसे पहले दो नंबर जो दिए थे, ऑब्जेक्टिव हमारा इस वक्त भी वही है कि दो नंबर से ऐड हो जाए, लेकिन जो भी मैंने एल्गोरिथम दिखाया उसमें आपने देखा कि उसमें पर्टिकुलर दो, 6 और 8 थे, उनको हमने ऐड किया। लेकिन इसमें हम देखेंगे हम कोई भी दो नंबर्स फिर अगर देंगे उनको ऐड हो जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे, इस पहला स्टेप वही है। उसके बाद कंप्यूटर को हम वेरिएबल्स दो देंगे, ए एंड बी, दो नंबर्स के लिए दो वेरिएबल्स देंगे, ताकि जब हम एग्जीक्यूट करेंगे उस प्रोग्राम को फिर वो हमसे उन दो नंबर्स का वैल्यू मांगे। कभी हम कुछ भी वैल्यू हम दे सकते हैं इसमें, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू देंगे, कभी दूसरा वैल्यू देंगे, और कंप्यूटर उनको फिर उनका सम निकालेगा, उनको ऐड करेगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो हमें वो उनका सम, उनका रिजल्ट दिखाएगा, आउटपुट दिखाएगा, और इस तरीके से हम किसी भी दो नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया एल्गोरिथम, अगर हमें किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए कोई एल्गोरिथम बनाना है। तो ऐसे ही जैसे कि ये एल्गोरिथम हमने यहाँ पे बनाया, आप एक प्रैक्टिस करेंगे। सपोज आपको बताया जाए कि आप अपने लिए एक चाय का कप बनाएं, उसके लिए आप एक एल्गोरिथम लिखेंगे। तो आप उसमें देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव आपको है चाय बनाना, उसके बाद आपको स्टार्ट करके आपको देखना है कि जरूरत क्या क्या चीज़ है उसमें, ठीक है। फिर चाय कैसे प्रोसेस होगी, कैसे बनेगी, फिर जब तैयार होगी तो चाय तैयार होगी, फिर उसके बाद आपको लेना है मतलब आउटपुट उसका। तो वो आप खुद ट्राई करेंगे एक एल्गोरिथम, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाए, ठीक। तो ये थी एल्गोरिथम। इसके बाद एल्गोरिथम पहला स्टेप होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, और दूसरा होता है इसमें फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट क्या चीज है? फ्लो चार्ट इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, यानी इसी एल्गोरिथम को हम ड्रा करते हैं पिक्चर्स के जरिए से, रिप्रेजेंट करते हैं पिक्चर्स के जरिए से। हर एक स्टेप को हम पिक्चर में दिखाते हैं। फ्लो चार्ट मेक प्रॉब्लम सॉल्विंग इजियर। तो इस तरीके से भी जो कोई जब भी कोई एक्शन लेनी होगी, जब भी कोई प्रॉब्लम हमें सॉल्व करनी होगी कंप्यूटर जरिए से, तो उसके लिए क्या स्टेप्स उस वक्त हमने लेने पड़ेंगे, फ्लो चार्ट से वो बहुत इजी होता है, आसान होता है कि हम कैसे उसको कर पाएंगे। फ्लो चार्ट्स आर ड्रॉन यूजिंग अ सेट ऑफ सिंबल्स। तो इसके लिए एक सेट ऑफ सिंबल्स है जिससे हम ये फ्लो चार्ट ड्रा कर सकते हैं। दीज सिंबल्स रिप्रेजेंट वेरियस एक्शंस एंड डिसीजंस। ये सिंबल जो होते हैं वो मुख्तलिफ एक्शंस या मुख्तलिफ डिसीजन जो हम लेते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको दिखाते हैं। कनेक्टिंग एरोज शो द फ्लो ऑफ कंट्रोल बिटवीन द सिंबल्स। और इसमें एरोज होते हैं, कनेक्टिंग एरोज जिनको हम बोलते हैं, तो वो हमें फ्लो ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, यानी पहले क्या स्टेप हुआ, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, उन्हीं स्टेप्स को वो एरोज हमें दिखाते हैं। द डिफरेंट सिंबल्स एंड देयर डिस्क्रिप्शंस आर लिस्टेड इन द टेबल गिवन बिलो। और कौन से सिंबल्स होते हैं और क्या एक्शन वो लेते हैं, वो हम इस टेबल में इसके बाद देखेंगे। ये हमारे पास फ्लो चार्ट सिंबल्स। सिंबल्स पहला सिंबल है एक आउल शेप्ड है ये, ठीक। तो ये स्टार्ट या एंड इसको बोलते हैं, स्टार्ट या एंड। ये जो आउल शेप्ड है ये स्टार्ट और एंड, यानी प्रोग्राम को, फ्लो चार्ट को स्टार्ट करने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, और फ्लो चार्ट को एंड करते वक्त हम ये सिंबल इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब हो गया स्टार्ट हो गया प्रोग्राम या फ्लो चार्ट, या फिर जब लास्ट पे डालते हैं तो इसका मतलब होता है कि ये एंड हो गया, खत्म हो गया फ्लो चार्ट। ये हो गया एरो। एरोज चार डायरेक्शंस के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे है राइट साइड, लेफ्ट भी हो सकता है, अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है। तो ये फ्लो ऑफ कंट्रोल दिखा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दिखा सकते हैं, या रिलेशनशिप
किस एक्शन के बाद क्या एक्शन हो रहे है, वो रिलेशन दिखाता है। इसके बाद इनपुट हमें क्या देना है, हम यहाँ से क्या फीड कर रहे हैं कंप्यूटर, या कंप्यूटर ने जो प्रोसेस किया आउटपुट क्या दे रहा है, वो स्टेप हम, वो एक्शन हम दिखाते हैं पैरेललोग्राम से। उसके बाद जो है पैरेललोग्राम से हम इनपुट और आउटपुट दिखाते हैं कि ये इनपुट वाली एक्शन है या आउटपुट वाली एक्शन है। तो उसके बाद ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है ये प्रोसेसिंग दिखाता है, यानी कंप्यूटर को जो प्रोसेसिंग इसमें करनी है, जो उसको एनालाइज करना है इस स्टेप को, वो चीज़ दिखाता है ये रेक्टेंगुलर बॉक्स। और उसके बाद अगर कहीं पे डिसीजन लेना हो तो डिसीजन लेने के लिए हम ये डायमंड बॉक्स इस्तेमाल करते हैं। डायमंड से हमें कोई भी, जब हम किसी पॉइंट पर पहुंचते हैं तो उस वक्त हमें एक डिसीजन लेना हो, डिसीजन फ्लो चार्ट में हम दिखाते हैं डायमंड से। इसमें दो ऑप्शन निकलते हैं, ये एक लॉजिकल ऑपरेशन, यहाँ लॉजिकल ऑपरेशन दिखाता है यहाँ पे, इसमें यस या नो, यस पे क्या एक्शन होगी वो इसके बाद अलग से देखेंगे, उसके लिए अलग फ्लो ऑफ कंट्रोल होगा, और नो होगा तो नो पे क्या एक्शन लेना है वो अलग फ्लो ऑफ कंट्रोल होगा। और ये जो लास्ट पे है ये हो गया कनेक्टर, यानी जब हम फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं तो अगर हमने उसके मुख्तलिफ पार्ट्स मुख्तलिफ जगहों से कनेक्ट करने होंगे, या सपोज हम एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो एक पेपर शीट पे हम एक पेपर शीट खत्म हो गया, अब हमने यही कंटिन्यू करना है फ्लो चार्ट दूसरे शीट पे, तो हम उधर एक कनेक्टर लगाते हैं, वो कनेक्टर ये सर्कल शेप पर होता है। ठीक है, तो ये थे सिंबल उस फ्लो चार्ट के, और इसके बाद हम एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करेंगे, ड्रा करने की कोशिश करेंगे, ताकि हमें इन सिंबल्स का जो एक्शन है वो समझ आ जाए किस सिंबल का क्या एक्शन। ठीक है, तो फ्लो चार्ट हम ड्रा करने की कोशिश करेंगे। फ्लो चार्ट होगा टू प्रिंट ग्रेटर नंबर अमंग टू नंबर्स, यानी हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हम दो नंबर अगर दे देते हैं उनमें से हमें ये पता चल जाए कि बड़ा कौन सा है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कर रहे हैं हम, स्टार्ट के लिए हमें पता है कौन सा सिंबल है, सिंबल ये ओवल शेप्ड है स्टार्ट के लिए, तो हम फ्लो चार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी स्टार्ट करने के बाद क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या रिलेशनशिप है। उसके बाद हमने फीड करना है, यानी इनपुट करना है दो नंबर्स को, कोई भी दो नंबर्स जो हम बाद में कंप्यूटर में फीड करेंगे तो उनको हम इनपुट कर रहे हैं, और उसके लिए ये पैरेललोग्राम सिंबल दिखाता है कि ये इनपुट एक्शन है। उसके बाद फिर से फ्लो ऑफ एक्शन। ठीक, तो इनपुट के बाद हमने क्या एक डिसीजन लेना है, हम चाहते हैं कि कंप्यूटर देखे कि ये दो नंबर जो हम दे रहे हैं ए और बी, इसमें वो दिखाए कि ए बड़ा है या बी बड़ा है, तो हमें एक सिंबल लेना है जो डिसीजन हमें दिखाए, तो वो ये सिंबल है इज ए ग्रेटर देन बी, यानी ये डिसीजन बॉक्स हमें दिखाता है कि यहाँ पे आप कंप्यूटर को दो ऑप्शंस मिलेंगे। यहाँ पे वो दो ऑप्शंस ये होंगे कि या तो ये ए बड़ा होगा ग्रेटर बी से दूसरे नंबर से, या नहीं होगा। तो अगर ये होगा, यानी अगर इसका लॉजिकल रिजल्ट जो है अगर वो यस है, अगर यस है वो, फिर क्या एक्शन होगी, फिर फ्लो ऑफ कंट्रोल जो होगा, रिलेशनशिप जो इसके बाद होगी वो होगा कि ये बताएगा हमें कि प्रिंट ए, यानी ए बड़ा है, आप देखिए कि ए बड़ा है। तो ये चूंकि ये एक आउटपुट एक्शन है इसलिए इसको हमने पैरेललोग्राम लगाया। ठीक है, तो इसके बाद अब अगर ये यस नहीं हुआ, अगर ये इसकी दूसरी कंडीशन, अगर ए ग्रेटर देन बी नहीं हुआ, यानी ए लेस देन बी हुआ, दैट मीन्स बी बड़ा है, तब ये बताना चाहे हमें कि बी बड़ा है। तो अगर ऐसा हुआ, अगर ये ए बी से बड़ा नहीं है, तो फ्लो ऑफ एक्शन जो होगा वो ये बताएगा हमें प्रिंट बी, यानी बी बड़ा है, तो आप ये प्रिंट करिए। तो दोनों सूरत में, चाहे आप यहाँ जब डिसीजन कंप्लीट हो गया, यस पे भी हमने देखा प्रिंट ए होगा, नो पे भी देखा प्रिंट बी होगा, और जब ये दोनों में से जो भी सही होगा वो एक्शन जब कंप्लीट हुआ तो उसके बाद प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। तो ये एक फ्लो चार्ट हमने ड्रा किया कि अगर हमने ये देखना हो कि दो नंबर हम फेड करें, दो में से बड़ा कौन सा है, इसके लिए हमने ये फ्लो चार्ट ड्रा किया। इससे आपको इंशाल्लाह अच्छा फ़ायदा होगा, किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप एल्गोरिदम लिख सकते हैं या फिर उसके लिए। तो हमने अब इस लेक्चर में ये अंडरस्टैंड किया कि एल्गोरिदम, एंड हम समराइज कर रहे हैं, एन एल्गोरिदम इज द स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन रिटन इन अ सिंपल लैंग्वेज टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, यानी ये जो एल्गोरिदम है इसमें कंप्यूटर लैंग्वेज की जरूरत नहीं है हमें,
हम किसी भी लोकल लैंग्वेज में, अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में ये स्टेप्स लिखते हैं, ताकि बाद में जब हम इसको कंप्यूटराइज प्रोग्राम बनाना है उस वक्त हमें कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हम पहले एल्गोरिथम लिखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने दूसरा देखा, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस यू गिव टू द कंप्यूटर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम प्रोग्राम होता है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जैसे क्यू बेसिक में या जावा है या सी प्लस प्लस है, किसी लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में हम लिखते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वही होता है प्रोग्राम। और उसके बाद हमने एक और पॉइंट इसमें सीखा, फ्लो चार्ट। अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को ही जब हम सिंबल्स के जरिए से दिखाते हैं उसको हम फ्लो चार्ट बोलते हैं। ठीक है, वेल इसके बाद इसमें एक्सरसाइज आती हैं चैप्टर के लास्ट पे। तो इसमें जो ये ऑब्जेक्ट टाइप कुछ क्वेश्चन पार्ट्स इसमें क्वेश्चन हैं, इनको हम यहीं पे करेंगे, और फिर जो सब्जेक्ट जो दो तीन क्वेश्चन है इसमें लास्ट पे, उनका इंशाल्लाह अपलोड करेंगे उनका आंसर। तो एक्सरसाइज में पार्ट ए जो है वो यहाँ पे है, ड्रा अ फ्लो चार्ट टू एंटर द टाइम इन आवर्स एंड डिस्प्ले इट इन मिनट्स। द एल्गोरिथम इज गिवन बिलो। एल्गोरिथम दिया हुआ है, हमने इनको इसके लिए फ्लो चार्ट बनाना है। तो स्टार्ट के लिए हमें पता है, स्टार्ट हम आवल शेप्ड वो सिंबल बनाएंगे। फिर है पहला स्टेप, इनपुट द नंबर ऑफ आवर्स, तो उसके लिए हम बॉक्स करेंगे इस्तेमाल पैरेललोग्राम, और उसमें लिखेंगे इनपुट। सपोज हम आवर्स एच से देंगे, इनपुट एच, नंबर ऑफ आवर्स हम एच को देंगे, वेरिएबल एच रखेंगे उसमें। नेक्स्ट स्टेप होगा फिर मिनट्स इक्वल आवर्स इंटू 60, तो ये प्रोसेसिंग है। प्रोसेस के लिए हमें पता है फ्लो चार्ट में जो सिंबल है वो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो हम एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लगाएंगे इसके बाद, और उसमें लिखेंगे मिनट्स के लिए एम, एम इक्वल टू एच, हमने दिया होगा नंबर ऑफ आवर्स इंटू 60, एम इक्वल टू एच इंटू 60, ये इसके बाद आएगा इनपुट के बाद ये रेक्टेंगुलर बॉक्स, उसमें हम ये चीज लिखेंगे। उसके बाद फिर से एरो फ्लो ऑफ कंट्रोल, और फिर लिखेंगे हम प्रिंट मिनट्स, प्रिंट मिनट्स, फिर से हमने वो पैरेललोग्राम शेप वाला बॉक्स बनाना है, पैरेललोग्राम, तो उसमें लिखेंगे प्रिंट एम, मिनट्स के लिए हमने एम रखा होगा, तो प्रिंट एम। उसके बाद लास्ट पे फिर से वही जो पहले हमने सिंबल इस्तेमाल किया स्टार्ट के लिए, वही सिंबल है स्टॉप के लिए। इस तरीके से हमें इसमें एल्गोरिथम बनेगा, ये ना ये फ्लो चार्ट बनेगा इस एल्गोरिथम के लिए। ठीक है, बी पार्ट है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में आप प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ डैश इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आप प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। दूसरा जो है वो है, एल्गोरिथम्स आर रिटन इन डैश लैंग्वेज, रिटन इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, या सेल्फ अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। तो इसी तरह थर्ड है यहाँ पे, डैश एंड डैश और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बेसिक क्यू बेसिक एंड सी प्लस प्लस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थर्ड फोर्थ, अ फ्लो चार्ट इज अ डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्चोरियल, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। नंबर फिफ्थ जो है, फ्लो चार्ट्स आर ड्रॉन यूजिंग अ सेट ऑफ डैश, फ्लो चार्ट्स आर ड्रॉन यूजिंग अ सेट ऑफ सिंबल्स। नंबर सिक्स है, अ डैश बॉक्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले प्रोसेसिंग इन अ फ्लो चार्ट, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज यूज्ड टू डिस्प्ले प्रोसेसिंग इन अ फ्लो चार्ट। नंबर सेवन है, डैश आर यूज्ड टू जॉइन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ फ्लो चार्ट, कनेक्टर, कनेक्टर्स, कनेक्टर्स जो वो छोटा सर्कल जैसा होता है, कनेक्टर्स आर यूज्ड टू जॉइन द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ फ्लो चार्ट। तो ये था पार्ट बी। इसके बाद पार्ट सी जो है वो है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, ट्रू फॉल्स। नंबर वन, द इंस्ट्रक्शंस इन एन एल्गोरिथम हैव टू बी इन अ करेक्ट ऑर्डर। बिल्कुल ये सही है कि जो भी एल्गोरिथम में इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो जरूरी ऑर्डर में होने चाहिए, हम ऑर्डर तब्दील नहीं कर सकते उसका, किस एक्शन के बाद कौन सा एक्शन होना है वो सीक्वेंस रखना लाजमी है। नंबर सेकंड, एन एल्गोरिथम इज अ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन एल्गोरिथम, ये गलत है, ये उल्टा लिखा है।
wrong. Number third, symbols in a flowchart represent various actions and decisions. ये सही है, flowchart में जो different symbols होते हैं वो actions या decisions को represent करते हैं. Number four, if we had to represent printing of an output in a flowchart, we would do it by a process box. Process box से हम printing दिखाएंगे, ये गलत है. Process box का अलग symbol है, printing का दूसरा है. Number fifth, a decision box has one flow line coming out from it. Wrong. Decision box से एक नहीं, एक से ज्यादा दो out of you know flow of lines आती हैं. या logical value आता है इसमें, yes भी आता है या no भी आता है. इसलिए एक ही flow line नहीं, एक से ज्यादा आती है. Number sixth, an input output box is shaped like a diamond. नहीं, diamond decision के लिए है, input output के लिए parallelogram होता है, ये भी गलत. तो ये था सी पार्ट इसका, ट्रू फॉल्स. डी पार्ट इसका, ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस. ड्रॉ द सिंबल्स ऑफ दीज इंस्ट्रक्शंस इन अ फ्लो चार्ट. स्टार्ट स्टॉप के लिए वही ओवल शेप, इनपुट के लिए रेक्टेंगुलर ये ना पैरेललोग्राम. नंबर थर्ड, प्रोसेस प्रोसेस के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स, डिसीजन के लिए डायमंड बॉक्स, फ्लो लाइंस एरो, कनेक्टर्स के लिए छोटा सर्कल. तो इसके बाद लास्ट वाला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. इसका आंसर इंशाल्लाह हम देंगे, वो रिटर्न होगा, अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, वो हम उधर देखेंगे आप. ठीक है, तो ये था इस लेसन में एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में. मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, रिवाइज करेंगे और तैयार करेंगे एग्जाम के लिए. तो स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. अल्लाह आपको अपनी हिफाजत में रखे. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.